तो कभी कभी क्या होता है कि आपका दोस्त आपके व्हाट्सएप पे फोटो वीडियो मैसेज को भेजकर और डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, उसके बाद आप उस मैसेज को देखना चाहते हैं तो आप उस मैसेज फोटो या वीडियो को नहीं देख पाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्हाट्सएप पे आपका फोटो या वीडियो या मैसेज को भेज देता है उसके बाद डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, फिर भी आप उस मैसेज को फोटो को और वीडियो को इजिली देख सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी तक आप अपने भाई के वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है WAMR। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं, तो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा, तो आपको यहां पे एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं इसको परमिशन को ऑन कर देना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड का जो एरो का निशान है इस पे आपको क्लिक करना है, फिर से आपको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो आप कौन कौन सी एप्लीकेशन में मैसेज को रिकवर करना चाहते हैं, डिलीट करने के बाद भी आप देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए अभी व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से राइट साइड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद इनेबल के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर दिया, यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए सही का आइकन है, आपको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके फोन में प्रॉपर सेटिंग हो गया। मेरे हाथ में दो फोन है, मैं इस फोन से इस फोन पे मैसेज को सेंड करूंगा और इस फोन से मैं मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर दूंगा, फिर भी इस फोन में वो मैसेज शो होगा, मैं आपको लाइव प्रूफ सब कुछ करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस फोन से मैं इस फोन पे मैसेज को सेंड करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे दोनों फोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे मैसेज को सेंड कर दिया, कुछ भी लिख के मैं यहाँ पे मैसेज को सेंड कर रहा हूँ। देखिए मैं तीन बार यहाँ पे मैसेज को सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया। तो चलिए मैं इस फोन से मैं डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज को कर देता हूँ, यहाँ पे तीनों मैसेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए इस फोन से भी ये मैसेज डिलीट हो गया, लेकिन ये दूसरे जगह पे मैसेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ये मैसेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे जितना भी मैं मैसेज सेंड किया हूँ सारे मैसेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई भी मैसेज यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। व्हाट्सएप से तो डिलीट हो जाएगा, वहां पे आपको शो नहीं होगा, लेकिन आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उस एप्लीकेशन से आप सारे चैट देख सकते हैं, जो भी आपके पास मैसेज करके और डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया है सारे मैसेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखाया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो भाई के वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख दीजिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।